बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिम किचन में आज मैं आपसे शेयर करूंगी मखाने की खीर की रेसिपी, जिसके लिए हमें चाहिए कोकर, ओट्स, मखाने और ड्राई फ्रूट। तो सबसे पहले हम इन सभी चीज़ों को एक पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये रेसिपी काफ़ी हेल्दी होती है। ओट्स, मखाना, ड्राई फ्रूट और दूध से बनी हुई काफ़ी रिच होती है। मखाने में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, प्रोटीन होता है। इससे बच्चे, बूढ़े, सभी उम्र के लोग खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों को विवर्स हमें ठंडा कर रोस्ट कर ठंडा कर लेना है। और फिर ठंडा कर हम इसको एक मिक्सर ग्राइंडर जार में पीस लेंगे। इस रेसिपी को आप 6 से 7 भर तक के बच्चे को आराम से बनाकर दे सकते हैं। जैसे ही ये ठंडा होगा हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करके छान लेंगे थोड़ा। तो अब मैंने ये छान लिया है और इस मिश्रण को आप 1 से 2 हफ्ते आराम से रख सकते हैं, ताकि आपको बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े। हमें एक पैन लेना है। पैन में हम डाल देंगे दूध और दूध में हम 2 चम्मच डाल देंगे मखाना और ओट्स का पाउडर, ड्राई फ्रूट भी, और इसमें बहुत ही हेल्दी होता है। और इसको हम ऐसे धीरे धीरे आंच पर इसको पका लेंगे। और चीनी डालकर एक बाउल में निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसमें खजूर भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस टाइम खजूर नहीं थी तो मैंने खजूर नहीं डाली है। मेरे पास एक बहुत प्यारी सी बेबी है जिसे हम खिलाएंगे। देखो मैंने